हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, तो प्रॉब्लम ये था कि इसका एक्सटर्नल माइक सही से यूज नहीं हो रहा था, काफ़ी सारा विंड नॉइज आ रहा था। ओके, बहुत दिनों के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कैसे किया हूँ, क्या किया हूँ, मैं अभी सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊँगा। ओके, सबसे पहले इस हेलमेट का सेटअप देख लीजिए, माउंट कैसे किया हुआ। कैमरा का माउंट बस ऐसे ही है और ये हेलमेट है एस्टर्ट्स का शिफ्टर। ओके, तो इसका मैं रिव्यू भी किया था, अगर आप हेलमेट देखना चाहते हो तो अभी यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं माउंट किया हूँ। ओके, एकदम बीचों बीच सेंटर में डाल के। ओके, तो इस पर क्या किया हूँ कि ये सही से बैठ नहीं रहा था, तो आपको इसके साथ एक एडहेसिव 3M टेप दिया रहता है, उसको हल्का सा बगल से काट के और दोनों बगल चिपका के, फिर उसके बाद चिपका देना है इसमें, जहाँ जहाँ पे गैप आएगा वहाँ पे आप एम सील से इसको गैप को पूरा पूरे तरीके से कवर कर दीजिए गैप को। ओके, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जो है मेरा माइक, मैं दिखा देता हूँ, माइक यहाँ पे लगा हुआ है कैमरे में, और ये माइक इस तरीके से ऐसे करके ऐसे आया हुआ है अंदर की तरफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दाहिने साइड में लगा हुआ माइक। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या किया। सबसे पहले इसको खोलते हैं पैड को। ओके, थोड़ा रिमूव करते हैं माइक को, आप देख सकते हो ये माइक, एक्चुअली ये ओरिजिनल ही माइक है। ओके, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने के चक्कर में ये वाला पार्ट तोड़ दिया था, तो मैं दूसरा कोई जाली लगा दिया हूँ उसमें, आपको दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर किन्हीं का माइक काम नहीं करता ढंग से, ओके, या फिर बहुत बार आप मतलब टेप करते वक्त यहाँ से मुड़ जाता हो या टूट जाता होगा, तो उस केस में आप मतलब वायर को कट करके, थोड़ा सा इतना बड़ा कट करके उसका फिर से माइक में सोल्डरिंग कर सकते हो। वैसा ही मेरा किया हुआ है, क्योंकि ये माइक को सेटअप करने के चक्कर में पूरे ऐसे करके घूम जाता था, ऐसे ऐसे करके, तो इस वजह से इसका तार टूट गया था बीच से, तो मैं थोड़ा सा तार भी छोटा कर दिया और ये माइक में फिर सॉल्डरिंग कर दिया। अब मेरा माइक ठीक हो गया, नहीं तो फिर मेरे को एक माइक परचेज करना होता, वो 1700 का था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ओके, अभी तो मैं इसमें टेप किया हुआ हूँ, तो फ्रेंड्स आप अपने माइक में देखिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चारों तरफ से हल्का हल्का छेद रहता है, तो उस छेद को आप नहीं बंद करोगे जब तक, तब तक आपका विंड नॉइज आता ही रहेगा। ओके, ये इस तरीके से आप छेद बंद कर लें, यहाँ पे टेप लगा दें। ओके, और ये मैं टेप यूज़ किया हूँ एंकर का, इलेक्ट्रिक टेप, यहाँ पे लगा के आप पूरे तरीके से उसको कवर कर दें। उसके बाद आप जैसे ही आपका, जैसे आप फ्रेंड्स आपका इस टाइप का नहीं होगा, ओके, तो उसमें चार पांच छेद रहता है, आपको क्या करना है, वो चार पांच छेद को, एक छेद को छोड़ के बाकी सभी छेद को आपको बॉन्ड फिक्स से आपको कवर कर देना। ओके, बॉन्ड ग्रिप से भी आप कवर कर दोगे तो हो जाएगा, बस एक छेद रहने देना। ओके, और उसके बाद इसके साथ जो विंड नॉइज कवर देगा उसको आप ऐसे करके अपना लगा देना और यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा विंड नॉइज आता है तो आप थोड़ा सा पीछे कर लेना, यहाँ पे रख देना माइक को ईयर के पास, तो भी आपका आवाज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स दूसरा चीज़ ये है कि इसका वॉल्यूम लेवल, तो वॉल्यूम लेवल आपको 8 रखना है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, 8 या 7 रखना, दोनों में अच्छा आवाज़ आएगा। 7 में थोड़ा सा कम आवाज़ आएगा तो आप 8 ही रखना, और 9 में थोड़ा सा ज़्यादा विंड नॉइज भी आएगा, तो प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कौन सा बेटर है। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पार्ट आप कवर करें, ओके, और ऊपर से भी कवर करें, ऊपर में तो मतलब ये बॉन्ड ग्रिप यूज़ कर सकते हो आप, ओके, या नहीं तो जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग करता है डिस्प्ले चिपकाने का एक ग्लू रखता है, ठीक है, आप वहाँ पे आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन आप दोनों जगह ग्लू यूज़ करोगे तो इतना श्योर रहिएगा कि एक छेद आपको छोड़ना है जिससे कि आवाज़ जाए अंदर। ओके, और अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसका आवाज़ कैसा है रियलिटी में। ओके, ये तो मैं अभी आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये माइक मैंने लगा दिया है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस तरीके से आपको माइक लगा देना है, ये थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं ये सही से फिट कर दिया हूँ और ये कवर भी लगा ही रहना चाहिए। तो अब हम रोड पे बात करते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा मैं इस माइक में कुछ कुछ किया हूँ, ओके, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसका आवाज़ कैसा आएगा नहीं आएगा। अभी तो स्पीड है 20 और हेलमेट का वाइजर भी क्लोज है एंड मतलब वॉल्यूम लेवल है 8। ओके, तो अभी यहाँ से हम रिटर्न लेंगे और फिर यहाँ से हम स्पीड में चलेंगे। ओके, अगर आवाज़ अच्छा रहा तो फिर ठीक है, नहीं रहा तो इसमें कुछ थोड़ा सा और टैपल वगैरह करना होगा। एक्चुअली मैं बहुत
कम ही ट्रैवल किया हुआ हूँ इसमें। इसमें तो है इलेक्ट्रिक टेप किया हूँ, और इसके साथ जो विंड नॉइज़ कवर आता था बस वही डाला हूँ। तो अभी चेक करते हैं कि इसका कैसा है। ओके, तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा आगे जाके फिर वहाँ से टर्न ले लूँगा। ओके, आई थिंक हल्का फुल्का आ रहा है विंड नॉइज, बट वो सब कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इसका माइक ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी हम बाइक चला रहे हैं, ये हीरो होंडा का पैशन प्लस 2009 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्पीड कम चल रहे हैं और इसका मीटर भी ख़राब है। और फ्रेंड्स, ये एक चीज़ और, ये आपको दिख रहा होगा 966 किलोमीटर। ओके, तो ये 966 किलोमीटर नहीं है, ये लगभग 1 लाख किलोमीटर पार कर चुकी। तो फिलहाल अभी हम गांव आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा कम स्पीड ही चलेंगे, फिर उधर से आएंगे हम स्पीड में। ओके, तो अब भी देखते हैं कि इसमें आवाज़ कैसा आ रहा फ्रेंड्स। अगर इसमें आवाज़ अगर सही आया तब तो फिर ये वीडियो अपलोड होएगी, अगर नहीं आया सही तो फिर आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स अभी वॉल्यूम लेवल है 8। ओके, और तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ। ओके, तो अभी देखना है कि इसमें विंड नॉइज का कैसा ये रहता है, उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे कि कैसा है नहीं है। ओके, तो अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 40 के आसपास स्पीड होएगी। तो अब मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ और इधर से फिर मैं स्पीड में चलता हूँ। ओके, तो फिर अभी देखता हूँ कि इसका आवाज़ कैसा है विंड नॉइज का। ओके, अगर सही विंड नॉइज हुआ तो फिर मैं इसी सेटिंग को रहने दूंगा। ओके, और आप लोगों को बता देना है कि कैसे कैसे मैंने किया, और उस तरीके से आप भी अगर करोगे तो आपका भी ज़रूर से ज़रूर विंड नॉइज कम्प्लीटली रिमूव होएगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करना होगा, बिकॉज पानी है और छीटा पड़ के पड़ेगा हमको ही। 55 तक की स्पीड ज़रूर होऊंगा। ओके, थोड़ा सा और एक्सलेट कर देता हूँ मैं, अभी देखता हूँ कि इसका आवाज़ कैसा रहता है। आई थिंक बेस्ट होना चाहिए आवाज़ अब, और इतना स्पीड में तो कोई ब्लॉक कर नहीं सकता। ओके, तो ब्लॉक करने का स्पीड तो वही 30 to 45-50 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं रोड पे। ओके, तो अभी बाइक भी स्टार्ट कर लिया हूँ मैं, और ये भी मैं पैशन प्लस चला रहा हूँ भाई। ओके, तो हेडलाइट ऑन है, अब मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप बताइएगा कि अभी मेरा स्पीड वही 20 के आसपास होगा। और इसका एक चीज़ क्या है कि इसका ये ख़राब हो चुका है, स्पीडोमीटर ख़राब हो गया है, मतलब इसका वायर टूट गया है और मेरे को वो चेंज करना होगा पूरा सेट। तो आई थिंक अभी मेरा स्पीड होगा 30 के आसपास, तो मैं रिटर्न टाइम उधर से स्पीड में आऊँगा, तो फिर वहाँ से भी चेक करूँगा कि इसका आवाज़ कैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो अभी फ्रेंड्स, अभी आप बताइएगा कि अभी आवाज़ में विंड नॉइज़ भी आती है या नहीं आती है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से परेशान था कि इसका आवाज़ सही हो माइक का, तो सही अगर हो जाए तो फिर सही है, नहीं तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसका वॉल्यूम लेवल है 8। तो मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अभी बताइएगा कि अभी आवाज़ कैसा है। बस आई होप कि आवाज़ सही हो जाए। अभी स्पीड होगा वही 50 के आसपास, और इतना स्पीड काफ़ी है ब्लॉक करने के लिए 50। वैसे अभी मैं लगभग जितना भी स्पीड हो सकता है मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद राइड का भी प्लान होगा, अभी कुछ नहीं होगा फ़िलहाल, प्लान होगा लगभग नेक्स्ट ईयर ही, रखिए नेक्स्ट ईयर ही होगा कुछ प्लान, करते हैं हम लोग कुछ नया ट्राई। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से रिटर्न ले रहा हूँ, और आवाज़ मेरे ख्याल से अब सही आने लगा होगा, क्योंकि मैं 2-3 बार चेक कर लिया था जब से सही हुआ था। ओके, तो ये मैं फाइनल टेस्ट कर रहा हूँ, और ये मेरा आवाज़ सही हो गया। अभी मैं धीरे चल रहा हूँ, और मेरे को ये बताना है फ्रेंड्स, इसमें आपको करना क्या क्या है। माइक को कवर करे ढंग से, डिस्प्ले ग्लू आप यूज़ कर सकते हो या फिर बोंड ग्रिप यूज़ कर सकते हो, और बस एक छेद रहने देना आवाज़ जाने के लिए, बस एक छेद, और उसके ऊपर आप विंड नॉइज की कवर चढ़ा देना। और आप माइक को जो है राइट साइड में मुँह के पास भी आप रख सकते हो, या मुँह से हल्का सा पीछे रखना,
अच्छा आवाज़ आएगा। ओके, अगर उस पर ज़्यादा विंड नॉइज आती है, ठीक है, तो आप ईयर के पास ही रख लेना। वैसे गोप्रो के जैसा आवाज़ नहीं आएगा, 80% आपका वॉइस जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ओके, और ये वॉइस इम्प्रूव आप, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे से पूछ सकते हो आप, और इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। इसका आईडी है @kamalkashyap1997। ओके, फेसबुक आईडी है kamal.kashyap.1997। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, और कुछ भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ओके, अब मैं चलता हूँ घर की ओर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।